हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पियातिया। तो आज मैं मार्केट गई थी, मैं मार्केट से ये लाई, इसका नाम है ड्रिंक ब्लॉक। तो चलो इससे ना ऐसा ऐसे शेप्स बनाए जाते हैं, बोलते हैं ये दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए, तो चलो इसमें ना बहुत सारे शेप्स हैं। ये है लॉन्ग बार्स, कुछ लॉन्ग बार्स दिए गए हैं, मीडियम साइज्ड बार्स दिए गए हैं, स्मॉल साइज्ड बार्स दिए गए हैं, सर्कल्स दिए गए हैं, चार सर्कल्स हैं यहाँ पर, दो छोटे दो बड़े, फाइव कॉर्नर वाला स्टार दिया गया है, वो भी दो दो दिए गए हैं, एक पिंक और एक नीचे ऑरेंज वाला है। चार स्क्वायर्स दिए गए हैं, दो छोटे दो बड़े, एंड दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ग्रीन एंड वाइट। तो चलो इसे खोलते हैं, इन सबको बनाते हैं हम। खोलते हैं यहाँ पर। चलो खोल लिया हमने, ये देखिए। स्क्वायर्स निकल गया है एकदम मस्त। ओके, ये देखिए हमारा फुल हो गया। देखिए तो हमें मिला है ये स्क्वायर्स, दो छोटे वाले मिले हैं, दो यहाँ पर, दो छोटे स्क्वायर्स और दो बड़े स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, स्टार यहाँ पर दो है स्टार हमारा। हाँ तो चलो कुछ बनाकर दिखाती हूँ मैं यहाँ से। चलो ये बाईसाइकिल ट्राई करती हूँ मैं। चलो तो पहले हमारा बड़ा वाला गोल, तो मैं ना बड़ा वाला गोल ले रही हूँ ऑरेंज कलर का, देन हमारा स्मॉल साइज का, मीडियम साइज का नहीं स्मॉल ही, मीडियम साइज हमारा कहाँ गया। अच्छा एक मीडियम साइज का ऐसे लेकर ऐसे, ये टाइट भी है जैसे ना हमें ऐसे करना है। एंड स्मॉल साइज का होता है ना यहाँ पर, मैं स्मॉल साइज, मैं सोच रही पर्पल कलर लूँ, नहीं पर्पल है नहीं, तो इसलिए मैं वाइट ले रही हूँ, जो वाइट प्यारा से लग रहा है। तो इसने यहाँ पर ऐसे करके मैं लगा लूँगी, टफ है लगाना फिर भी टाइट है। हाँ बहुत ही अच्छे से लगा दे आप इसे। स्काई ब्लू कलर का ले रही हूँ यहाँ से, नहीं सो मैंने यहाँ पर दो बना लिए है, एक मैंने साइकिल बनाई है बाईसाइकिल, जो ये वाला लग रही है ना थोड़ी थोड़ी सेम। एंड लोग जब आएंगे इसमें ऐसे 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 करके पेटल घुमा घुमा कर जाएंगे, तो ये ना मुझे बहुत ही। एंड ये ना स्टैंड है, एंड मैंने इसे 10 out of 9 देना चाहती हूँ। एंड ये मैंने स्विंग बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। स्टैंड थोड़ा सा वीक है इसका, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें ना ये सचमुच का स्विंग होता है, तो ना मुझे ये बहुत ही पसंद आया है स्विंग, ये सचमुच का भी स्विंग करता है। मैंने ये बिग वाला स्विंग बनाया है, एंड अब आप चाहे तो मैं स्मॉल वाला भी स्विंग बना सकती हूँ, ये वाला। अगर हमारे वीडियो में बहुत सारे लाइक्स आए इस वीडियो में, तो मैं स्मॉल वाला स्विंग बनाऊंगी। तो ना ये दोनों बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग गया, 10 out of 7 देना चाहती हूँ। फिर बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये दोनों ही।
भी ये चलता नहीं है। ये मैंने पिरामिड वाला लिया है, मुझे अभी तक तो सॉल्व करना आता है नहीं, फिर मैं ट्राई तो करूंगी। ये देखिए यहाँ पर इसका टर्निंग बहुत ही अच्छा लगा, ये देखिए फास्ट टर्निंग है इसका, ये देखिए बहुत ही फास्ट टर्निंग है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये पिरामिड शेप का है। तो चलो मैं आपको एक लेज़र लाइट दिखाती हूँ। ये मैंने एक लेज़र लाइट खरीदी है, वो रेड कलर की। यहाँ पर नीचे वार्निंग दी गई है डेंजर की, तो चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर ना ये रोज़ दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर रोज़ है, पर ये थोड़ा छोटा सा है मेरा, ये थोड़ा बड़ा। यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स है, ऊपर वाले को दबाने पर ये देखो, एंड SSI ऐसे छोटी सी एक डॉट रहेगी जिसे मूव कर पाओगे। एंड सेकेंड बटन है नीचे वाली बटन, उसे अगर आप प्रेस करें, वेट, एक ब्लू कलर की रोशनी आएगी। एंड ना एज अ टॉर्च आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी टॉर्च है। एंड देन एंड ना आपको ये बैग में होल्ड करने के लिए रेड कलर का एक मीन्स जिस कलर का लेज़र लाइट हमने लिया है वही कलर का आपको ये ऐसा एक हुक मिल जाएगा जिसे आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं आप इस झूले में भी लगा सकती हूँ इसे, ये देखिए रेड कलर का लाइट मिलता है। फिर से इसे नीचे वाले बटन को दबाने पर ब्लू एंड रेड कलर का लाइट मिलता है हमें, दोनों ही एक साथ ब्लिंक करके आते हैं लाइट। तो ऐसे करके आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, अपने बैग में कहीं भी झुला कर ले जा सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।